हाल ही में सलमान खान और फर्रे फिल्म से डेब्यू करने वाली उनकी भांजी अलीजेह अग्निहोत्री दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान अलीजेह को फिल्म इंडस्ट्री में उनके करियर की अच्छी शुरुआत के लिए सम्मानित किया गया। सलमान ने इस आयोजन की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी साझा की। कार्यक्रम में सलमान और अलीजेह से जुड़े कुछ मजेदार सवाल जवाब भी सुनने को मिले। कार्यक्रम की होस्ट सोफी चौधरी ने अलीजेह से मजेदार सवाल पूछे। एक सवाल में सोफी ने अलीजेह से पूछा कि अगर उन्हें अपने मामा सलमान खान पर किताब लिखनी हो तो वो उसका नाम क्या रखेंगी। अलीजेह सोच ही रही थी कि सलमान ने तुरंत जवाब दिया, मैं कभी भी उसे मेरे बारे में किताब नहीं लिखने दूंगा। भाईजान का ये मजाकिया जवाब सुनकर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। अलीजेह ने इस साल पहले भी एक कार्यक्रम में अपने करियर के बारे में कुछ खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि अगर वह अभिनेत्री नहीं होती तो फिल्म निर्देशक होती। उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने मामा सलमान खान को लेकर कोई फिल्म बनाएंगी तो अलीजेह ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर उन्हें हंसना होता है तो वह अपने सोहेल मामा के पास जाती हैं, क्योंकि सोहेल खान उन्हें खूब हंसाते हैं। सलाह लेने के मामले में अलीजेह अपने अरबाज मामा का सहारा लेती हैं। उनका कहना है कि अरबाज खान बहुत अच्छी सलाह देते हैं और उनकी सलाह हमेशा काम आती है। अलीजेह की इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि उनके परिवार के सदस्य, विशेष रूप से उनके मामा, उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। सलमान खान और अलीजेह अग्निहोत्री की इस दिलचस्प बातचीत ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मनोरंजन किया और अलीजेह के परिवार के साथ उनके करीबी रिश्तों को भी उजागर किया। सलमान खान ने भी अपनी भांजी की सफलता पर गर्व जताया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस घटना से अलीजेह की फिल्मी दुनिया में मजबूत शुरुआत का संकेत मिलता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करता है।